मैजिक मैन एन चंद्रा पटेल, आपका अपना पटेल, यत्र तत्र सर्वत्र, द मैजिक मैन एन चंद्रा, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल द मैजिक मैन एन चंद्रा। विश्व कीर्तिमान प्राप्त द मैजिक मैन एन चंद्रा फाउंडेशन द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस फाउंडेशन के संरक्षक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यंगकार डॉक्टर हरीश नवल जी के आशीर्वाद से और इस फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री नरेश जोशी जी के सहयोग से हम आज एक नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं जिसका नाम है साहित्यिक अनुकथन। इस कार्यक्रम को आप फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर हर शनिवार रात 8 बजे लाइव देख सकते हैं। साहित्यिक अनुकथन में हर शनिवार को हमारे साथ एक साहित्यकार होंगे, बात करेंगे उनके व्यक्तित्व की, उनके साहित्य की, उनके लेखन की, उनके जीवन की। तो चलिए आज की इस यात्रा का हम आरंभ करते हैं श्री विजय जोशी जी के साथ। विजय जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद ममता जी। विजय जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको बता दें कि विजय जी साहित्य जगत का एक जाना पहचाना नाम है। आप कथाकार हैं, समीक्षक हैं, अनुवाद पर आपको पुरस्कार प्राप्त है। कई समारोह और आयोजन में आपने पत्र वाचन किया है और आप साहित्यिक कार्यक्रमों में सफल संचालक भी हैं। विजय जी, आपके साहित्य की, आपके लेखन की जब बात करें तो ये जो आपके साहित्य का दरख्त आज हम देख रहे हैं, जो आपके साहित्य का दरख्त आज हम देख रहे हैं, जी आपको आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आ रही है आवाज। तो आपके जो साहित्य का, हाँ, जो दरख्त आज हम देख रहे हैं, इसके बीज कैसे पड़े, इसके अंकुरण कैसे हुआ, कैसा पल्लवन रहा, किस तरह की आबोहवा इसे मिली, क्या माहौल आपके घर का था, किस तरह का आपका बचपन रहा? जी, धन्यवाद ममता जी। आपने एक बिल्कुल एक सहज और सरल जो प्रश्न है ये कि हर एक लेखक के लिए उसके पारिवारिक परिवेश का बहुत असर होता है, असर ही नहीं बल्कि फलदायी असर होता है। जैसे आपने वृक्ष की बात करी, तो मेरा परिवेश साहित्यिक रहा, सांगीतिक रहा और चित्रकला से भरपूर। तो मेरे को साहित्य का एक तरह से माहौल शुरू से ही मिला और बचपन से ही जब पारिवारिक माहौल ऐसा रहा, विद्यालय थी, उस शनिवारीय संगोष्ठी में, बाल सभा में हम अपना प्रतिनिधित्व करते थे, तो वहां से हमें हमारी कला को उभारने का एक अवसर प्राप्त। भी चलती रही संगीत के साथ साथ, और यही नहीं, जब कॉलेज में आए तो वहां के उस सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए हमारी जो बचपन की कला थी वो और ज्यादा समृद्ध होती चली गई। विज्ञान में, वनस्पति शास्त्र में एमएससी करने के पश्चात लेखन फलदार वृक्ष के लिए कौन कौन सी जड़ें कहां तक रही, तो जड़ें तो विज्ञान की रही और पल्लवन सांस्कृतिक परिवेश की आबोहवा से हुआ। और 1985 से विज्ञान लेखन के पश्चात जब सर्वप्रथम कहानी लिखी 1995 रहा कि वह कहानी प्रथम बार ही आकाशवाणी केंद्र कोटा को प्रेषित की, तो वहीं से वो कहानी प्रसारित भी हुई। तो ये कहानी का पहला प्रसारण मेरे लिए कहानी लेखन के, निबंध के साथ, आलेखों के साथ कहानी लेखन की
आरंभिक सोपान था, फिर वहां से कहानी लेखन शुरू हुआ और कहानियां लिखते चले गए इस उत्साह के साथ और उसे साहित्य राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर को भेजा। और नटराज प्रकाशन दिल्ली से, ये 1996 में मेरा प्रकाशन हुआ। और कला समीक्षाएं में शुरू से ही लिखता था, क्योंकि कला मेरी 1989 से कला समीक्षा में मैंने लिखना शुरू किया था और 1974-75 से मेरी कला प्रदर्शनी सूचना केंद्र में लगना शुरू हो गई थी कोटा में। तो जब जब भी कोई कला प्रदर्शनी लगती आती और पांचजन्य हिंदुस्तान दैनिक हिंदुस्तान में मेरी वो समीक्षाएं छपने लगी, तो इधर कहानी के और उसका पल्लवन आप आज संग्रह, दो उपन्यास और 5 समीक्षा आलेख ग्रंथ प्रकाशित हैं। ममता जी, ये मेरी एक छोटी सी यात्रा थी जो बचपन से लेकर वर्तमान तक जारी। लगता है नेट में प्रॉब्लम आ गई है ऋषि सर। दोस्तों आज टेक्निकल कुछ समस्याएं चल रही हैं, हम जल्द ही उनसे जुड़ते हैं दोबारा। हेलो जी, हाँ ये जो कदम ताल करते हुए मैं बढ़ रहा हूँ जी। अच्छा, किन विधाओं में आप लिखते हैं और किन भाषाओं में लिखते हैं? बिल्कुल ममता जी, मेरी विधा तो बात थी और मूल रूप से कहानी और समीक्षा का क्षेत्र है और दोनों में राजस्थान हाँ ममता जी, आवाज आ रही? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, दोनों विधाओं में मैं लिख रहा हूँ, हिंदी और राजस्थानी में। जी जी, दोनों भाषाओं में आप लिख रहे हैं। अच्छा, आपकी कहानियां जब हम पढ़ते हैं तो आपकी कहानियां कल्पना की उड़ान नहीं भरती बल्कि वास्तविकता के धरातल को उजागर करती हैं। क्या वजह है कि आपकी कहानियां सामाजिक मुद्दों, सामाजिक उलझनों और सामाजिक समस्याओं को ही प्रतिबिंबित करती हैं? हाँ बोलो, आप आवाज है जी, आवाज सुनाई दे रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं ये पूछ रही थी कि आपकी जो कहानियां हैं वो वास्तविकता के धरातल को उजागर करती हैं। आपकी कहानियां सामाजिक मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और सामाजिक उलझनों को प्रतिबिंबित करती हैं। कहानियां जो है काल्पनिक घोड़ों पर सवार न होकर बिल्कुल और जो परिवेश जैसा रहता है, सामाजिक परिवेश, उसमें वास्तविकताएं स्वतः ही उभरती चली जाती है, चाहे वो पात्र जितने भी होते हैं, हमारे देखे वाले होते हैं, क्योंकि संवेदनाएं जब अपने मन और मस्तिष्क के ऊपर यात्रा करती है संवेदनाएं, तो अपना आप पात्र उस यात्रा के साथ चलते चले जाते हैं और कहानी का रूप लेते चले जाते हैं। तो ये वास्तविकता इसीलिए आती है क्योंकि हम जो देख रहे हैं
जो समझ रहे हैं और जो समाज से ले रहे हैं, यदि उन्हीं को ही हम शब्दबद्ध करते चले जाएं और उसमें भावनात्मक और संवेदनात्मक रूप से जोड़ते चले जाएं, तो कहानियां वास्तविक कल्पना बात की कथ्य तो हाँ ममता जी जी। अच्छा, आप समीक्षा या कहूं समालोचना भी लिखते हैं, तो कथाकार से समीक्षक की भूमिका का चुनाव करने का क्या कारण रहा और कैसे इस दिशा में आपका रुझान हुआ? हाँ ममता जी, क्या पूछ रही थी? जी, मैं पूछ रही थी कि किस तरह से आपका रुझान जो है वो समीक्षा की तरफ हुआ। हेलो जी, आवाज सुनाई दी आपको? हाँ, नहीं, वो आप क्या बोल रहे हैं? मैं पूछ रही थी सर कि समीक्षा कैसे आपने शुरू की फिर? समीक्षाओं का लेखन कब से शुरू किया ये बात? तो कैसे कैसे इस तरफ रुझान हुआ? जैसा हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने पहले बताया कि मैं कला समीक्षाएं लिखता रहा, तो जब हिंदी साहित्य की कविताओं के ऊपर कोई बात होती थी तो उस पर अपनी विचार व्यक्त करता रहा, और मूल रूप से लेटर टू एडिटर जब कोई आता था तो उसमें लिखने से हुआ। और सर्वप्रथम मेरी जो है शैक्षिक विभाग से एक आई थी, रातों जगी कथाएं, तो उसकी मैंने समीक्षा लिखी जो सर्व ये जुड़ाव होता चला गया और वर्तमान में मैं इस समीक्षा कर्म से भी है विचार वो समीक्षा के रूप में उजागर होते चले जाते हैं। तो ये समीक्षा कथा के साथ साथ समीक्षा का भी, जैसा कि आप जानती हैं, आपने तो हाँ ममता जी ये बार बार डिस्कनेक्टिंग हो रही है। अच्छा, समीक्षा का जो काम है वो सरल नहीं है, और वास्तविकता में अगर कहूं तो शुद्ध समीक्षा जो है वो बहुत कठिन है। हाँ शुद्ध शुद्ध जो समीक्षा है वो बहुत कठिन काम है कि हम केवल समीक्षा ही कर रहे हैं, हम अपने विचार नहीं दे रहे हैं उस पे। तो जो नए लेखक इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, जी उन्हें आप क्या सलाह देंगे कि किन बिंदुओं पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए समीक्षा लिखते हुए और किन बिंदुओं को नजरअंदाज कर देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि समीक्षा का क्षेत्र वाकई कठिन है, क्योंकि रचनाकार के साथ उसके भीतर अंतर्मन की यात्रा करनी होती है। तो जब कोई रचना पढ़ी जाती है तो मैं नवोदित समीक्षकों से एक ही बात कहता हूँ, आपने मेरी समीक्षाएं पढ़ी तो पुस्तक के अंदर जो रचनात्मक कार्य जो किसी भी विधा में आया हो, उस रचनात्मक कार्य को जो सामाजिक परिवेश के लिए और लेखन और साहित्यिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, उन बिंदुओं को उस रचना में किस तरह से उजागर किया गया है, शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि रचना के माध्यम से सामाजिक और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आपको रचना के भीतर की भावनाओं को अपने शब्दों में पिरोना होता है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उस रचना में पिरोने के लिए हम लेखक के साथ चलते हैं और रचना इसके लिए और उस इससे समझना चाहिए, उसके बाद ही अपने
हेलो। जी जी हाँ हाँ, एक और प्रश्न होगा मेरा कि आप पत्रवाचक भी हैं, सैकड़ों विषयों पर आपने पत्र पढ़े हैं, तो किस प्रकार किसी भी पत्र के लिए हम मटेरियल इकट्ठा करें या किस तरह उसे लिपिबद्ध किया जाए, और क्या प्लानिंग शुरू से ही कोई लेखक जो पत्र लेखक है वो क्या प्लानिंग करके रखे? बिल्कुल है, ये बहुत सेमिनार संगोष्ठी होती रहती है, तो उस समय नवोदित लेखकों को और जो वरिष्ठ हैं उनको भी पत्र वाचन सुनने का एक अवसर प्राप्त होता है हम लोगों को। आपने तो देखा है इस चीज को। तो पत्र वाचन का जो विषय है अपने को रॉ मटेरियल के रूप में करना चाहिए, कोई सा भी विषय हो, जैसे गीतों का विषय है, कहानी का विषय है, उपन्यास का विषय है, या फिर समकालीन है तो समकालीन उपन्यास, समकालीन कविता, समकालीन गीत, या क्षेत्र विशेष की जो आपने पत्रवाचक का विषय दिया है, तो उस क्षेत्र में उस विशेष विधा में लिखने वाले अपने आरंभ से लेकर और वर्तमान तक कौन हमको डिवाइड करना पड़ता है कि आपका पत्र केवल प्रकाशित साहित्य पे है या फुटकर लेखन पे है। यदि प्रकाशित साहित्य पे है तो आपको उसको किसी टाइम पीरियड में बांधना चाहिए कि भाई 1 दशक का या 2 दशक का, क्योंकि संपूर्ण तो एक पत्र में आ नहीं सकता, इसलिए आपको उसको डिलिमिट करना पड़ता है, उसको विशेष रूप से बांधना पड़ता है। तो उस संपूर्ण में आपने जो जो पुस्तकें प्रकाशित हुई वो सब पुस्तकें आपको लेनी होगी, और फिर पत्र उल्लेखित होना चाहिए, जिससे कि विषय वस्तु की एक ऐतिहासिक और तथ्यात्मक जानकारी उस पत्र के माध्यम से आपको उजागर हो सके। दूसरी बात, श्रोता है, उनमें सब विद्वान रहते हैं, तो आपको अपना पत्र समाप्त करने से पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि यहाँ पे बैठे हुए मेरे पत्र में संपूर्णता ना हो, इसलिए आपको एक सुझाव दें ताकि मेरे अपने पत्र में उन चीजों को जोड़ सकूं। हो सकता है पत्र लेखन जब हो उस समय तक कोई पुस्तक आ जाए, या किसी की बहुत मतलब स्तरीय पत्र पत्रिका में कोई विधा विशेष का कोई आलेख, उसको मिलता है, और एक पत्रवाचक को संपूर्ण दृष्टि से उसको देखना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए कि भाई किसी को छोड़ दिया, किसी को ना लिया, तो कि संपूर्ण अपडेशन मतलब करंट तक आपको अप्रोच होनी चाहिए, वहां तक पहुंच होनी चाहिए, ये एक पत्रवाचक के लिए आवश्यक हो जाता है। जी, हाँ बिल्कुल ममता, बिल्कुल जी। अनुवाद की अगर मैं बात करूं तो आपको अनुवाद पर एक पुरस्कार भी मिल चुका है, तो अनुवाद करते समय किसी भी लेखक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या मैं कहूँ किन गलतियों को नहीं करना चाहिए? जी, अरे ये आपने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछा है कि किन बात का ध्यान रखना चाहिए और किन गलतियों को नहीं करना चाहिए। तो अनुवाद के लिए भी व्यक्ति हमें जी ट्रांसलेशन नहीं करना है, हमें उसकी भाव आ गया है, ये नहीं कि शब्द शब्द टू शब्द आपने उसको अनुवादित कर दिया। ये तो एक ये रहा कि जैसे किसी ने कहा हिंदी में कि वहां गया तो वहां गयो, लेकिन इसके बाद वो रचना क्या कह रही है, वाक्य क्या कह रहा है, ये जरूरी नहीं है कि शब्द वहां पर आए, आपके भाव वहां पर आना चाहिए। इसलिए अनुवाद में ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो शब्द आप प्रयोग में ले रहे हैं या अनुवाद कर रहे हैं किसी चीज का, तो रचनाकार की मूल भावना का ध्यान वहां पर रखना चाहिए, न कि अनुवादक को वहां। मूल तो बात यह है कि जो रचनाकार है उस
उस रचनाकार की रचना क्या कह रही है ये अनुवाद में परिलक्षित होना आवश्यक है, वरना होता क्या है कि लेखक अनुवाद करता है तो स्वयं उस पर हावी हो जाता है तो मूल रचना दब जाती है। इसलिए ये गलती नहीं होना चाहिए, हमें मूल रचनाकार की मूल रचना के साथ यात्रा करना चाहिए तो अनुवाद स्वतः ही उस रचना के साथ चलता चला जाता है। हाँ ममता जी, लगभग हम समाप्ति की ओर हैं। एक प्रश्न जो बनता है वो ये है कि लगभग 40 वर्ष की जो साहित्यिक यात्रा आप कर चुके हैं, तो 40 वर्ष पहले जब आपने लेखन प्रारंभ किया था तो क्या संभावनाएं थी, क्या चुनौतियां थी, किस तरह की संपन्नता थी, क्या कमजोरियां थी, क्या साहित्य जगत का माहौल था, और आज जो वर्तमान में आप देख रहे हैं इन 40 वर्षों में क्या बदलाव हुए हैं, जो मुख्य जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। नहीं, बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया ममता जी। हर एक लेखक जब लिखता है तो उसकी रीजन में, उसके दृष्टि में ये नहीं होता कि मैं जो लिख रहा हूँ उसका को सतत रूप से लेखन करता रहूंगा। तो 40-10 दशक पहले का लेखन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहां पर हर विधा में उस दशक में लेखन विकास के पायदान छू रहा था, उस समय समृद्धि की ओर बढ़ रहा था, उस समय हमने लिखना शुरू किया। तो उस समय ये नहीं था कि मैं इस, हर एक लेखक को ये नहीं होता कि मेरा लेखन किस तरह से आगे बढ़ेगा, वो केवल अपनी रचना के प्रति ईमानदार होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि 40 साल पहले अपनी रचना के प्रति, अपने विषय वस्तु के उसको समृद्ध करना, तो वो अपनी स्वतः ही समृद्धि की ओर चलता चला जाएगा। क्योंकि जब तक लेखन वस्तुतः ईमानदारी से न किया जाए, विचारों को इस तरह से समृद्ध किया जाए कि वो समाज और साहित्य दोनों की ओर विकसित होता चला जाएगा, और वर्तमान में जो नए लेखक हैं वो इसी दृष्टिकोण से अपना लेखन कर रहे हैं कि हम जो भी दें वो अच्छा दें, ताकि हमारी जो लेखन की प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति, वो उजागर होती थी। विजय जी का नेटवर्क में ममता जी प्रॉब्लम आ गई जी, स्टिल हो गया। दोस्तों टेक्निकल प्रॉब्लम और कहूं कि इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा कार्यक्रम में व्यवधान रहा। खैर, कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। आज हमने जाना विजय जोशी जी की साहित्यिक यात्रा के बारे में, उनके व्यक्तित्व और उनके व्यक्तित्व के कई आयामों के बारे में। तो आपको बता दें, हर शनिवार साहित्यिक अनुकथन के माध्यम से हम एक साहित्यकार से जुड़ेंगे और जानेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। तो अगले शनिवार फिर मिलेंगे आपसे किसी नए साहित्यकार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। विश्व कीर्तिमान प्राप्त द मैजिक मैन एन चंद्रा पटेल, आपका अपना पटेल, यत्र तत्र सर्वत्र द मैजिक मैन एन चंद्रा, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल द मैजिक मैन एन चंद्रा।